तो देखिए, रक्षाबंधन और सावन के सोमवार के लिए मैंने यहाँ पे मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ नारियल से फ्रेश नारियल की मिठाई। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 3 नारियल लिए, तीनों नारियल को मैंने तोड़ दिया है। तोड़ के इसके अंदर का पानी जो था ना, वो मैंने पी लिया है। बहुत मीठा पानी था, तो ऑब्वियसली नारियल भी ना बहुत मीठे होंगे। अब नारियल को या तो आप कद्दूकस कर लीजिए, और उसका जो पीछे का जो ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, वो आप हटा दीजिएगा। लेकिन मेरे पास में ना ये एक जो कोकोनट क्रशर है, तो मैं सोच रही हूँ तो इसमें एक बार ना घुमाकर देखती हूँ कि अच्छे से निकलेगा या नहीं। तो देखिए, यहाँ ये ना बहुत पहले के ज़माने में ये ना यूज़ किया जाता था। मेरे मम्मी के यहाँ पे भी ये था, मुझे याद है। इस तरह से ना हम नारियल निकाल के देते थे। लेकिन अभी ना ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि ये मुझे काफ़ी सारे नारियल है और मैं ये कब तक करती रहूँगी। तो अभी ज़माना हो गया है फास्ट, तो हम भी काम करेंगे एकदम फास्ट एंड फास्ट। तो देखिए, मैंने है ना पीछे के जो छिलके थे वो निकाल दिए, और फिर मैंने यहाँ पे जो वाइट वाला पार्ट है वही रखा है। और छिलके निकालने का रीज़न ये है कि जब हम बर्फ़ी बनाएंगे इसकी, तो ना एकदम वाइट बनेगी वो। अगर हम पीछे के वाले छिलके के साथ में इसे पीस लेंगे ना, तो वो एक ना जो ब्लैकिश कलर आ जाएगा उसमें, और वो मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए, मैंने सारे छिलके निकाल दिए, और इसे ना अब मैं एक बार धो लूँगी, ताकि इसमें कुछ भी कचरा या कुछ लगा रहेगा तो वो निकल जाएगा। तो मैंने सारा धो के एक बार इसे कपड़े पे सुखा दिया, और आप मानेंगे नहीं, इसमें से इतना गंदा पानी भी निकला है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, एक बार पूरे नारियल धोने के बाद में देखिए इतना गंदा पानी निकला है इसका। तो इसीलिए इसका धोना धोना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे छिलके भी मैंने निकाल दिए हैं। तो अब बस इसके ना हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, और एक साथ टुकड़े करेंगे, ताकि ना जब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे ना, तो ये इवनली अच्छे से पीस जाएंगे। यानी नहीं तो क्या होता है, कोई बड़े कोई छोटे होने से कोई पीस पीसेगा और कोई ना ऐसे ही रह जाएगा टुकड़ा। और यहाँ पे मैंने छोटा वाला जो जार होता है वो लिया, क्योंकि इसमें ना बहुत जल्दी से पीस जाता है, और एकदम हमें ना बारीक पीसना है। इसमें बिल्कुल भी टुकड़े नहीं रखना है, ना ही इसे मोटा रखना है। एकदम जितना बारीक आप पीस सको ना, उतना बारीक पीस लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध भी डाला है, तो मैं जितनी बार भी पीसूंगी, मुझे लगता है मैं 3 बैच में पीसूंगी, तो तीनों बैच में मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी, और फिर इसे देखिए इतना बारीक हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे ना जितना बारीक ये रहेगा ना पिसा हुआ, उतनी ही हमारी जो फ्रेश कोकोनट की जो बर्फी बनेगी ना, बहुत बढ़िया बनेगी। ऐसा लगेगा जैसे ना हम नारियल का कलाकंद खा रहे हो ना, बिल्कुल वैसे ही लगेगा ये। तो देखिए, यहाँ पे मैंने तीन बैच में मैंने यहाँ पे नारियल को पीस लिया है, और यहाँ पे मैंने 1 कप दूध का यूज़ किया। फिर मैंने ना लास्ट वाले बैच में थोड़ा सा 2 चम्मच जितना दूध और ऐड कर लिया था। तो मतलब यानी फुल कप भर के मैंने दूध का यूज़ कर लिया है। और ना इस बर्फी की खासियत यही है कि इसमें ना ना ज़्यादा घी लगता है, ना ही ज़्यादा हमें शक्कर का यूज़ करना होता है, और ना चाशनी बनानी पड़ती है। बहुत जल्दी बन जाती है, बस इसे तोड़ने में और छिलके निकालने में थोड़ा टाइम जाता है, वरना ये बहुत जल्दी बनने वाली मिठाई है। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई रखी है, और मैंने गैस भी लगा दिया है, और अब यहाँ पे मैंने जो भी नारियल घिसा हुआ था मैंने पूरा इसमें डाल दिया। अभी इसमें कोई भी घी या शक्कर या कुछ भी हमें नहीं डालना है, बस हम नारियल डालेंगे इसमें घिसा हुआ, और इसे ना 2 मिनट तक अच्छे से सेक लेंगे। आप इसे जब तक सेक लीजिए जब तक कि ना इसमें से थोड़ा ना धुआं नहीं निकलने लग जाए, तो अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए नारियल, और फिर बाद में हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी शक्कर। अब शक्कर ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे देखिए जो 1 कप जो मैंने दूध लिया था, वही कप से मैंने यहाँ पे 1 कप शक्कर भी डाल दी है, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच भर के घी। बस इतना ही घी इसमें लगेगा और इतनी ही शक्कर लगेगी, क्योंकि नारियल भी ना मीठे ही होते हैं, तो इसलिए हमें शक्कर का यूज़ थोड़ा कम ही करना है यहाँ पर। बस अब इस शक्कर को और घी को अच्छे से इस नारियल के साथ में हम फिर से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि अच्छे से ना शक्कर और घी और नारियल एकदम अच्छे से एक सार हो जाएंगे। तो हर बार ना कभी काजू कतली या कभी ड्राई फ्रूट्स की मिठाई या कभी बेसन के लड्डू, यानी यही सब चीज़ें हम मैं बनाती हूँ, लेकर जाती हूँ रक्षाबंधन वाले दिन। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ना फ्रेश वाली नारियल की मिठाई बनाकर लेकर चल। यहाँ पे खोए का यूज़ तो होता ही है, लेकिन मैं ना खोआ अवॉइड कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिल्क पाउडर। तो ये मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। अगर आप खोया यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो खोए को आप थोड़ा सा अलग से सेक लीजिए कढ़ाई में, और फिर इसे ऐड कर दीजिए इसमें। और बस यहाँ पे देखिए, मैंने मिल्क पाउडर डालने के बाद में अच्छे से इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए सेक दिया है।
अब ना देखिए, कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि इतना क्यों करना है, सीधे सीधे खोपरे का बूरा लेकर आइए और उसे चाशनी में डालकर उसका जो खोपरा पाक होता है वैसे आप बने, लेकिन उसमें और इसमें ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप एक बार बनाएंगे ना तभी आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छे से सेकने के बाद में उसे गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और तुरंत फटाफट मैंने एक थाली में घी लगा दिया। घी लगा के इसे अच्छे से चिकना कर दिया और सारा जो हमारा जो नारियल का मिक्सचर है ना, ये पूरा मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अभी आपको ये लग रहा होगा कि एकदम खुला खुला है, ऐसे इस तरह से बूरा बूरा हो गया, लेकिन ये बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इसे इकट्ठा कर लीजिए अच्छे से गरम गरम में ही, और फिर बाद में इसे अच्छे से पूरी थाली में फैला दीजिए। हाथ से ना बहुत गरम लग रहा था मुझे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पैचुला की हेल्प से मैंने चारों तरफ इसे अच्छे से फैला दिया है। अब ना देखिए, मिठाई है लेकिन मैंने यहाँ पे ना इलायची का, केसर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि केसर से एक तो कलर चेंज हो जाएगा और इलायची से ना, इलायची का फ्लेवर इतना स्ट्रांग होता है कि उसमें नारियल का जो टेस्ट और जो फ्लेवर होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने इलायची भी यहाँ पर यूज़ नहीं करी है। लेकिन भाई देखिए, रक्षाबंधन है तो मिठाई तो अच्छी दिखनी चाहिए ना, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ऊपर से गार्निश कर लिया है। जो पिस्ता होता है उसे एकदम मैंने बारीक कट कर लिया है और फिर इसके ऊपर से मैंने अच्छे से इसे डाल दिया है। यहाँ पे ना आप जो चांदी का जो वर्क आता है, जो मिठाई पे लगाते हैं सिल्वर वाला, वो भी आप इस पे लगा सकते हो। उससे भी ना ये मिठाई बहुत अच्छी लगती है, दिखने में बहुत बढ़िया लगती है। लेकिन मैं ना चांदी का वर्क ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि ना उसे भोग में ना यूज़ नहीं किया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ अपने घर पर वो ज़्यादा लेकर नहीं आती हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे ना पिस्ता भी अच्छे से इस पे लग गई है, ठंडे एकदम ठंडा हो गया है ये, और अब मैंने इस पे ना कट्स लगा दिए हैं। आप अपने शेप अपने हिसाब से कट लगा दीजिए, जैसा शेप आपको पसंद है, डायमंड या स्क्वायर या एकदम छोटे साइज़ या बड़े साइज़, उस हिसाब से आप इसे कट्स लगा दीजिए। अगर इस मिठाई को आप 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो फिर तो एकदम ठीक है, और नहीं आपको ज़्यादा दिन तक इसे रखना है, स्टोर करना है, तो आप इसे ना फ्रिज में ही स्टोर करिए, क्योंकि देखिए फ्रेश नारियल है और इसमें मिल्क पाउडर भी डला हुआ है, तो है ना ये ज़्यादा दिन बाहर नहीं टिकेगी। आपको इसे ना एयर टाइट कंटेनर में आप डाल के इसे फ्रिज में रखिए, आप 8-10 दिन भी फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होगी, लेकिन बाहर ये 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकेगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पीसेस निकाल दिए इसके और इतनी बढ़िया एकदम से सेट हो गई है ना ये हमारी जो फ्रेश नारियल की बर्फी। आप देखकर ही आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि कितनी बढ़िया ये बनी है। तो देखिए, यहाँ पे पहले तो मैं लगा देती हूँ एक मेरे कान्हा के और मेरे महादेव जी के भोग के लिए एक थाली रेडी कर देती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं एक बॉक्स में रेडी करूँगी जो मैं लेकर जाऊँगी अपने भाई के लिए। और देखिए, ये ना हमारी जो नारियल की कलाकंद आप इसे बोल सकते हो, तो दिख रही है ना कितनी बढ़िया, और ये ना इतनी सॉफ्ट बनी है, आप इसे ना इसे एकदम से जैसे मुंह में डालती है ऐसे घुल जाएगी। तो देखिए, रक्षाबंधन तो ना भाई बहन के प्यार का त्यौहार है, तो एक दूसरे का विश्वास का त्यौहार है, एक दूसरे की इतनी बॉन्डिंग रहती है उस दिन ना, ऐसे तो पूरा साल ही रहती है लेकिन उस दिन ना कुछ स्पेशल सा फील होता है भाई बहन को, तो बस वही वाली बात है। तो आज मैं ना मैंने भी वही मिठास ना इस नारियल की बर्फी में डाल दी है। तो देखिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हमें ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई चाहिए, महंगी मिठाई चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम प्यार से जो भी बनाकर लेकर जाए अपने भाई के लिए ना, वही काफ़ी होता है। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे, तब तक बाय बाय, जय श्री कृष्ण।